यात्रियों से जहरखुरानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जीआरपी ने किया खुलासा, ट्रेनों में दोस्ती कर यात्रियों के साथ करता था जहरखुरानी की वारदात। दरअसल बिना जीआरपी ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो ट्रेनों में यात्रियों से दोस्ती कर जहरखुरानी की घटना को अंजाम दिया करता था। जीआरपी के अनुसार बीना रेलवे स्टेशन पर 28 मार्च एक यात्री रेलवे स्टेशन परिसर में बेहोशी अवस्था में मिला था और जीआरपी पुलिस ने सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। तब यात्री ने बताया कि सफर के दौरान एक अन्य यात्री से दोस्ती हो गई थी और उसने पोहा लाकर खिलाया था, जिसे खाकर वह बेहोश हो गया और आरोपी सामान लेकर भाग गया। जीआरपी थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ पुलिस की मदद से सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें आरोपी पीड़ित के साथ दिखा और ग्वालियर थाना पड़ाव निवासी आरोपी हरि सिंह जाटव उम्र 35 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसके पास पीड़ित का सामान भी मिला, जिस पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और न्यायालय में आरोपी को पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। एक लड़का मिला जिसकी उम्र लगभग 20 साल की, जो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं था, तो स्टाफ वालों को ऐसा लगा कि इसे कुछ खिलाया गया है, तो तत्काल उसकी जान को देखते हुए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो तब बोलने की हालत में नहीं था, लगभग दोपहर की बात है जब हम गए, हमारा स्टाफ गया, जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं 28 तारीख को कर्नाटक एक्सप्रेस से बीना स्टेशन पर उतरा, जो फरियादी है उसका नाम तुलसीराम है, पिता का नाम बाबूराम, उम्र 20 साल, ये दमोह का रहने वाला है। तो इसने ये बताया कि ये सिटी की तरफ बेलदारी का काम करता है, जब ये कर्नाटक एक्सप्रेस से बीना आ रहा था तो रास्ते में इसकी दोस्ती एक अज्ञात व्यक्ति से हुई, जिसके आपस में बातचीत हुई, इनकी दोस्ती हुई, और जब फरियादी अपने यहाँ उतरा बीना स्टेशन में तो साथ साथ में जो आरोपी है वो भी उतर गया, तो इन लोग मुसाफिर खाने में भी बैठे, आपस में दोस्ती हुई। फरियादी ने बोला कि चलो मैं अपन नाश्ता करने चलते हैं, तो वो जो जेब नाश्ता करने बाहर गए, जो अज्ञात व्यक्ति था इसने इसको बोला कि आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आता हूँ। फिर उसने उसके लिए नाश्ता लेके आया, फिर दोनों ने नाश्ता खाया साथ में। उसके बाद में जो अपना फरियादी है इसको होश नहीं आया, जब ये सुबह इसको होश आया, जब पुलिस वालों ने इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, तब पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति था जिसने इसे कुछ खिलाया, उसके बाद वो नशे की हालत में चक्कर खा के बेहोश हो गया, तो नींद उसकी हॉस्पिटल में खुली। तो फिर इसके बाद श्रीमान एसपी सर, फिर हमारे माइक्रो सर अमित वर्मा जी, फिर हमारी जो एडिशनल मैम है शुभा मैम, और फिर आरपीएफ की मदद से जब हमने पूरे फुटेज खंगाले गए, फुटेज में देखा गया, और हमारी टेक्निकल टीम की मदद से, जब पूरे सोर्स की मदद से जब हमने पता किया और सभी जगह इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, और हमारी टीम को भी रवाना किया अलग अलग जगह पे, तो जो इस फुटेज में जो हमने व्यक्ति देखा था जो इसके साथ साथ चल रहा है, थोड़ा लचक कर चल रहा है, तो इससे हम एक पहचान हुई कि यार एक व्यक्ति है जो फुटेज में दिख रहा है और लचक के चल रहा है। तो उसे फिर हमने गोंडवाना एक्सप्रेस में, जो हमारी टीम थी वहाँ से उसको लेके आई, फिर इससे पूछताछ करी, तो जिसने अपना जुर्म कबूल किया, इस तरह इसका पता चला।